हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ झारखंड का इतिहास, और ये जेपीएससी पीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, जिसमें पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को मुंडा शासन व्यवस्था का अध्ययन कराया, और आज की क्लास में मैं आप लोगों को नागवंशी शासन व्यवस्था का अध्ययन कराऊँगी। तो चलिए देखते हैं क्या है नागवंशी शासन व्यवस्था। प्रथम शताब्दी, जिसे 64 ईस्वी पूर्व में जिसे काउंट किया जाता है, में मुंडाओं की राज व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित हो गई। देखिए, प्रथम शताब्दी जो 64 ईस्वी वर्ष थी पूर्व में, मुंडाओं के जो राज व्यवस्था थी वो नागवंशियों को हस्तांतरित हो गई। पूरी की पूरी ज्यों की तो नागवंशियों को हस्तांतरित हो गई उनकी शासन व्यवस्था। नागवंशियों के प्रथम राजा कौन थे? तो फणिमुकुट रॉय। यह प्रश्न अभी आता है, कई बार आया है। नागवंशियों के प्रथम राजा फणिमुकुट राय, इन्होंने फणिमुकुट राय ने पढ़ा पंचायत व्यवस्था का विस्तार किया। पूर्व की तरह ही कर व्यवस्था, भू व्यवस्था और शासन व्यवस्था चलाते रहे। फणिमुकुट राय ने क्या किया, जो हस्तांतरित होकर शासन व्यवस्था आई इनमें, इनके नागवंशियों में, उसे ही और विस्तृत किया। जो व्यवस्था थी, कर व्यवस्था, भूमि व्यवस्था या शासन चलाने की जो भी व्यवस्था थी, कुछ ज़्यादा नया नहीं जोड़ा, बल्कि जो पूर्व से चली आ रही व्यवस्थाएं थीं उसे ही विस्तारित किया। प्रथम बार हस्तक्षेप मुगलों ने किया 1585 ईस्वी में। अब इनकी जो पढ़ा पंचायत व्यवस्था थी उसमें मुगलों ने पहला हस्तक्षेप किया, और ये समय क्या था, तो 1585 ईस्वी के आसपास। मुगल सेना यहाँ के राजाओं से नजराना लेती थी, जो बाद में मालगुजारी कहा जाने लगा। तो जब मुगलों का शासन हुआ तो मुगल लोग क्या करते थे, यहाँ से भेंट लेते थे, जिसे वे लोग नजराना कहते थे, और बाद में ये मालगुजारी के रूप में बदल गया। जो शुरू में नजराना था वो बाद में टैक्स बन गया। संपूर्ण राज्य की मालगुजारी राजाओं को देनी पड़ती थी, क्योंकि रैयत या आम प्रजा कर नहीं देती थी, तो जितनी भी मालगुजारी थी वो राजाओं को ही देना पड़ता था, क्योंकि जो किसान होते थे या जो आम जनता होती थी वो कोई कर नहीं देती थी। अतः यह कठिन होता जा रहा था, राजाओं को लगातार कर देने से उनके जो राजकोष थे वे खाली होते जा रहे थे, क्योंकि कर काफ़ी था। तब राजाओं ने प्रजा से भी कर वसूलना आरम्भ किया। अब ऐसी स्थिति में राजाओं ने क्या किया, प्रजाओं से भी, जो सामान्य प्रजा थी उनसे भी टैक्स लेना आरंभ कर दिया, ताकि उन पर जो जितना बोझ है वो कम हो सके, टैक्स का सारा जितना बोझ उन पर आ गया है वो कुछ कम हो सके। 1616 ईस्वी में कर ना दे पाने के कारण छोटा नागपुर खास के महाराजा दुर्जन साल को कैद कर ग्वालियर के किले में 12 वर्ष तक जहांगीर द्वारा रखा गया। अब देखिए, टैक्स जब राजा महाराजा नहीं देते थे तो उन्हें क्या किया जाता था, उन्हें उनसे उसका राज्य छीन लिया जाता था, या फिर उन्हें कैद कर लिया जाता था, कहीं और अबदस्त करके भेज दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ था कि 1616 ईस्वी में टैक्स नहीं दे पाने के कारण छोटा नागपुर के जो राजा थे दुर्जन साल, उन्हें कैद कर लिया ग्वालियर के किले में, और वहाँ 12 वर्षों तक रखा। और किसने किया ये, तो जो मुग़ल शासक जहांगीर था उसने किया। 6000 रुपये सालाना टैक्स देने की सहमति पर उन्हें कैद से मुक्त किया। अब जब उन्होंने ये गच्छा कि 6000 रुपया टैक्स सालाना वो देंगे, तब फिर उन्हें 12 वर्षों बाद मुक्त किया गया। नागवंशी राजाओं ने पढ़ा के प्रमुख मानकियों को भूहर कहा, और इन्हें कर वसूली का कार्य दिया। नागवंशी राजाओं ने क्या किया, जब प्रजा से कर वसूलना शुरू किया तो जो मानकी थे वो जो इनके अंदर आते थे, वे उन्हें भूइयर कहा, और कर वसूली का कार्य उन्हें सौंपा रैयतों और प्रजा से। जागीरदारों को भी कर वसूली के लिए रखा गया, जो जागीरदार थे उन्हें भी कर वसूलने के लिए रखा। यह भी अनियमित था, अर्थात जब मुग़ल बादशाह कहते तभी कर दिया जाता था, हमेशा नहीं। अब मुग़ल काल में ये प्रावधान था कि जब ही राजा का आदेश होता था, मुग़ल शासक का आदेश होता था, तभी उन्हें देना होता था टैक्स, हमेशा नहीं। और इस कर को नजराना या पेशकश कहा जाता था, तो चूंकि ये कभी कभी दिया जाता था तो इसे नजराना कहा जाता था। तो मुग़ल शासन काल में
उतनी ज़्यादा विकट स्थिति नहीं थी जितनी कि अंग्रेज़ों के समय में हो गई। 1765 ईस्वी में अंग्रेज़ों को जब दीवानी मिली तो पटना के क्षेत्र में काउंसिल बनाई जिसे फोर्ट विलियम के अधीन रखा गया। अब इन्होंने टैक्स के लिए ही सारा काम किया। जब इनके हाथ में दीवानी आ गई, नियमित रूप से कर वसूलने के लिए 1793 ईस्वी में स्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था कर दी। इन लोगों ने अपनी जो इसकी कंपनी थी अंग्रेज़ों की, उसका खर्चा चलाने का जो उनका खर्च होता था वो यहाँ पर से ही वो निकालना शुरू कर दिए। और ये सबसे अच्छा साधन इन्हें मिल गया यहाँ की कृषि व्यवस्था में, तो यहाँ पर उन्होंने टैक्स लगाना आरंभ कर दिया। मुगल शासनकाल तक जो चीज़ नजराना के रूप में थी, कभी कभी दी जाती थी, वो इनके शासनकाल में अंग्रेज़ों के आते ही व्यवस्थित रूप से वो हर मतलब मंथ में वसूली जाने लगी। कर व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया और 1793 ईस्वी में स्थाई बंदोबस्त को लागू कर दिया गया, इसी कर को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। राजा महाराजाओं को जमींदार बना दिया और ज़मींदारी की प्रथा आरंभ हो गई। अब जो राजा महाराजा थे उन्हें ज़मींदार बना दिया, विभिन्न प्रकार के ज़मीनों से टैक्स वसूली का काम दे दिया अंग्रेज़ों ने और उन्हें ज़मींदार बना दिया। इस समय से ज़मींदारी प्रथा आरंभ हो गई। प्राचीन काल से आ रही मुंडाओं और नागवंशियों की राज व्यवस्था भी समाप्त तो हो गई और अंग्रेजी राज व्यवस्था लागू हो गई। अब जो प्राचीन समय से जो व्यवस्थाएँ थीं वो समाप्त तो हो गई, अंग्रेज़ों के नए नए नियम कानून आने लगे और राजा महाराजा मुंडा मानकी पढ़ा पंचायत आदि व्यवस्था समाप्त तो हो गई। तो अंग्रेज़ों के नियम कानून स्थापित होने लगे और राजा महाराजा मुंडा मानकी पढ़ा पंचायत आदि की जो व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई। छोटा नागपुर एवं पूरा देश अंग्रेज़ों के अधीन हो गया, नागवंशी राज व्यवस्था भी समाप्त हो गई। तो पूरा देश अंग्रेज़ों के अधीन चला गया, अंग्रेज़ों के नियम कानून चलने लगे, यहाँ के जो नागवंशियों की जो अपनी शासन व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से नागवंशी शासन व्यवस्था को अंग्रेज़ों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया और अंततः उन्हें समाप्त कर दिया और अपने नियम कानून कायदे को पूरे इस क्षेत्र में लागू कर दिया। तो इस प्रकार से नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने आज के क्लास में पढ़ा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।